आज मैं इस वीडियो में कुछ किचन टिप्स के साथ डेली लाइफ का कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुनीता रथ, वेलकम टू सुनीता रथ स्पॉट। जैसे हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं, लेमन हो गया, मैं बेसिकली लेमन की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो वो ना अगर आप इस तरह के पॉलीथिन में रखे रहेंगे तो इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी लेके आएं तो उसको वॉश करके अच्छे तरह से हम इस तरह की जो पेपर बैग्स होते हैं, पेपर शॉपिंग बैग्स होते हैं, उसके अंदर रख के आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे तरह से रहता है। चलिए देखते हैं दूसरे टिप्स की ओर। इस तरह की हमारे पास शॉपिंग बैग्स होती है या फैब्रिक का कुछ कॉटन बैग्स जो होते हैं, तो इसको हम इस तरह से कट कर दिया है और यहाँ पे मैं स्टिच कर रही हूँ। चाहे तो आप गम लगा सकते हैं या स्टिच भी कर सकते हैं। मेरे पास मशीन नहीं है तो मैं हाथ में इसको स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बड़ा टाका दे के लगा दिया है और यहाँ पे आप कोई सा भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो हमारे पास होते हैं ना लेगिंग्स वगैरह की, उसका एक स्ट्रिप लेके इस तरह से मैंने उसके अंदर डाल दिया है। जैसे हम नाड़ा लगाते हैं ना पेटीकोट वगैरह में, वैसे ही डालकर यहाँ पे मैंने एक नॉट लगा दिया है इस तरह से। अब देखिए इसके अंदर आप जो भी वेजिटेबल स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर कर सकते हैं। ये कितने अच्छे से वेजिटेबल ऑर्गेनाइजर बन चुका है और आप इस तरह से आप डाल के वेजिटेबल को फ्रिज में रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। यहाँ पे मैंने देखे पॉलिस्टर की साड़ीज़ जो होती है ना, इस तरह की साड़ीज़ ज़्यादा खिसती है, यानी कि फिसलती है। जैसे आप रखते हैं वैसे तरह से ये रहता नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फैब्रिक का बैग लिया है, शॉपिंग बैग्स वगैरह जो आते हैं उस तरह से, और यहाँ पे मैं इसको जो हैंडल होता है ना उसको मैंने कट करके यहाँ पे टाई कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर आप जिप लगा सकते हैं, चाहे आप बटन्स लगा सकते हैं, और लास्ट में भी एक दो और लगाना चाहे तो इस तरह से लगा के इसको इसके अंदर डाल के साड़ी ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे देखिए, हम जब भी वॉश करते हैं तो हमारे ब्लाउज़ का जो है ना हुक्स होता है वो दूसरे कपड़े के साथ उलझ जाता है, चाहे आप मशीन में डालिए या हाथ में कीजिए, तो हाथ को भी कभी कभी चुभता है। तो हम इस तरह से इसको क्लोज करके एक बार यहाँ पे हमने एक रबर बैंड लगा देना है, और इससे क्या होगा, आपका ये हुक्स कहीं और नहीं लगेगा, बहुत इजीली और आराम से साफ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आइडियाज़ एक भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं हैवी साड़ीज़ जो होती है ना, तो इस तरह की साड़ीज़ में आप जब भी स्टेप्स लगाते हैं, स्टेप्स करते हैं या फिर या प्लीट्स लगाते हैं ना साड़ी का, तो फिर वहाँ पे ना ये सेप्टिक पिंस जाता नहीं है, घुसता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही और अच्छे अच्छे न्यू टिप्स आपके पास लाने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने साबुन जो है ना वो सोप के अंदर दो चार बार मैं इसको घुसा के निकाल दिया है। अब देखिए कितनी ईजिली आपका साड़ी के अंदर ये जाएगा और आप यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके लगा सकते हैं। जैसे आपको बताया कि ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ एक वीडियो में, तो आपके पास जब भी सेप्टिक पिंस होते हैं और उसमें ना रस्ट आ जाता है, तो वो साड़ी में जब भी आप घुसाते हैं तो अच्छे से घुसता नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, उसमें थोड़ा सा नाइसिल का पाउडर डाल दिया और सेप्टिक पिंस को रख दिया है। इससे क्या होगा ना, वो सेप्टिक पिन के ऊपर रस्ट नहीं आएगा और आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।